प्रह्लाद कुमार, पुत्र की ममता मुझे विचलित करेगी, भूल जाओ। अब भी समय है, एक बार जी से हरि भक्ति छोड़कर मेरी शरण आ जाओ। पिताजी, हरे लांग छोड़कर मनुष्य के लिए कोई और शरण भी है क्या? पितृघाती, तू मेरा पुत्र नहीं, पिता का हत्यारा है। हरे हरे, बंद कर दूंगा सदा को तेरा ये मुंह। दंड नारायण, पुत्र वेश में आए हुए इस कुलघाती को मिटाकर दानव कुल कलंक को दूर करो। नाथ, ऐसा मत कहो, एक ही संतान है, वंश का अंकुर है। वंश का अंकुर नहीं, वंश का नाशकारी भयंकर रोग है। नमो हिरण्याय नमः। मुनिवर, उत्तेजित होकर पतिदेव अपने ही बेटे का वध किया जाते हैं। महात्मा, मुझ पर दया करके इन्हें शांत करें। हिरण्यकश्यप, नारद, इस उपदेश की आवश्यकता नहीं। माता, तीनों लोगों के स्वामी हैं ये, हृदय को वज्र बना रखा है, ये किसी की बात नहीं सुनेंगे, फिर सुनने से लाभ ही नहीं। ये घोर दुख नहीं सह जाता। बेटा प्रहलाद, तुम ही मान जाओ ना बेटा, मुझे यूं दुख न दो बेटा, यूं दुख न दो, यूं दुख न दो। ऐसा शोक क्यों करना माँ, मृत्यु तो सभी की होती है, एक ना एक दिन हमें चले ही तो जाना है। सुनते हैं कुमार की बातें, सुनते हैं पत्थर पिघल जाए, पर आपके हृदय को कुछ नहीं होता। माँ, ऐसा ना कहो पिताजी को, उनके मन में बड़ी ममता है मेरे लिए, इसीलिए इतने शीघ्र जन्म के बंधन से मुझे मुक्ति दे रहे हैं आज। ऐसा ना कह बेटा, मैं ये दुख कैसे सहूंगी मेरे लाल। रोते नहीं माँ, तुम जैसे पुण्यवती ने मुझे जन्म दिया है, इसीलिए तो शीघ्र मुक्ति भी पा रहा हूँ। प्रहलाद बेटा, मेरे लाल। नायक, ले जाओ इसे और कुलघाती को मार डालो। नहीं, तो प्रणाम तो कर लो। ले जाओ बेटा। लीलावत, प्रहलाद, लीलावत, मेरे लाल, लीलावत, प्रहलाद। Thank you.